नमस्कार, हर खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाने जा रहे हैं। पुलिस में तैनात इंस्पेक्टर बना दरिंदा। राजीव कुमार ने अपनी पत्नी को बुरी तरह से पीटा। राजीव की पत्नी के शरीर पर चोट के गहरे घाव। निजी अस्पताल में चल रहा है इलाज। इस वक्त की बड़ी खबर, राजीव पर कई गंभीर आरोप। सोनीपत से बड़ी खबर, पुलिस में तैनात इंस्पेक्टर बना दरिंदा। राजीव कुमार ने अपनी पत्नी को बुरी तरह से पीटा। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। निजी अस्पताल में पत्नी का इलाज चल रहा है। शरीर पर घाव के निशान। तो इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता लाजपत हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाजपत, राजीव कुमार नाम है इनका, जिन पर आरोप है, जिन्होंने अपनी पत्नी के साथ यहाँ हाथापाई की है, बुरी तरीके से पीटा है, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है इस पूरी खबर पर? जी बिल्कुल, देखिए कंचन, आपको बता दूं कि लगातार जब पुलिस से कोई इंसाफ मांगने जाता है और पुलिस वाला ही जब दरिंदा बनता है, इसने अपनी पत्नी को पीटा है और बुरी तरह, जो पीटने के बाद जो निशान आए हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं वो जो महिला है वो हॉस्पिटल में एडमिट है। और अभी जो गहरिंता का जांच है, इसमें टीम गठित कर दी गई है। लगातार आपको बता दें कि जब पुलिस वाले ने अपनी पत्नी को पीटा तो वो हॉस्पिटल में एडमिट है। अभी जो है उसके कार्रवाई, उनके जो पत्नी को जिसको पीटा है उसकी घरवालों ने शिकायत दर्ज कराई है। जी लाजपत, जिस तरीके से यहाँ ये पूरे आरोप इन पर लगे, क्या अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई हो पाई है? जी बिल्कुल कंचन, देखिए इसमें कमेटी गठित कर दी गई है और जल्द ही इससे पूरी जांच होगी और पूरी कार्रवाई होगी, क्योंकि महिला को पीटना एक बहुत बड़ा अपराध है। महिला की जो जननी है और धरती माता की सबसे बड़ी जो जननी है वो औरत है, और औरत पर अत्याचार किसी भी तरह नहीं सहन होता है। क्योंकि लगातार आपको बता दें कि जब पुलिस वाला ही एक दरिंदा बनता है, अपनी घरवाली को पीटता है, तो वो पुलिस वाले पर भी आखिर पर कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए बेहद शुक्रिया आपका। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। राजीव की पत्नी ने यह आरोप लगाए हैं, राजीव और उसके भाई के खिलाफ यहां केस भी दर्ज हो गया है। हालांकि लगातार पुलिस की ओर से जांच पड़ताल इस पूरी खबर पर जारी हो चुकी है।